नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोगों ने कैसे न्यूज को कवर किया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यह इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए देखते हैं पहला न्यूज क्या है। पहला न्यूज अगर देखते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG रिपोर्ट के रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट को लेकर के यह रिपोर्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है इस रिपोर्ट में, यह एक एनजीओ है जिसने अपना रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट का यूज जो है वह FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज होता है, इसलिए यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट क्या दिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स ड्रॉप एंड न्यू अप्रोच, जो इसका हेडिंग रहा है वह क्या रहा है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स ड्रॉप एंड न्यू अप्रोचेस शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के वनों की कटाई को कम करने में सीमित सफलता मिली है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस जो है उसका मेन काम है क्या, वनों को बचाना, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस जो है उसको अपने इस लक्ष्य में सफलता बहुत नहीं मिला है और इससे संबंधित कुछ चीजें और जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैंने बोला है 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई दर लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी। यह डेटा और यह फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम मेंस के आंसर राइटिंग को करने जा रहे हैं और प्रीलिम्स के लेवल पे भी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2015 से 2020 का हमारे पास डेटा है, ध्यान रखिएगा इसके डेटा अपडेटेड नहीं है। अब 2020 से 2025 का 5 साल का डेटा अपडेट होता है, तो अभी हमें एग्जाम में इसी डेटा को यूज करना है। जो वनों की कटाई की दर रही है, जो डिफॉरेस्टेशन रेट रहा है, वह लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष रहा है, पर ईयर कितना रहा है, 10 मिलियन हेक्टेयर। तो यह न्यूज जो था आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें अगर करेक्टिव मेजर्स में इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ कदम उठाए गए हैं उसकी कुछ कमियां क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो उस न्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। या दूसरा न्यूज क्या कहता है, भारतीय थल सेना और नौसेना के द्वारा हार्मीज 900 प्राप्त हुआ है। हार्मीज 900 क्या है, यह ध्यान रखिएगा, यह हार्मीज 900 है। हार्मीज 900 अगली पीढ़ी का बहुउद्देशीय एवं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मानव रहित हवाई प्रणाली है। इसे दृष्टि 10 ड्रोन्स भी कहा जाता है, मींस ड्रोन जैसा ही इसका यह है और इसके जरिए भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। इसके जरिए भारत क्या करेगा, अपनी निगरानी क्षमता जो भारत का जो स्ट्रेंथन होगा इट्स सर्वेलेंस कैपेसिटी को क्या करेगा, यह बढ़ाएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है, ओलियंडर फूल ध्यान रखिएगा, यह न्यूज में रहा है और इस न्यूज का संबंध हालांकि है तो रीजनल केरला, लेकिन यह चूंकि पॉइजनस फूल है और इसका जो है जो हमारे मंदिरों में पूजा में इसका यूज होता था और उसके कारण 2 महिलाओं की डेथ हो गई, इसलिए यह न्यूज में रहा है। तो ओलियंडर फूल जो है वह कहां पाया जाता है, किस तरह के जलवायु में पाए जाते हैं और कौन सा केमिकल होता है जिस कारण से वह पॉइजनस होता है, जिस कारण से डेथ हुआ है। तो पॉइजनस वाला पॉइंट आपके टेक्निकल बायोलॉजी का पार्ट हो सकता है, केमिस्ट्री का पार्ट हो सकता है और जो है एरिया जिसे ज्योग्राफिकल पार्ट हो सकता है और जो किस क्लाइमेट में इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो वह हमारा क्लाइमेट ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है। तो 2 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, यह देखते हैं, ओलियंडर फूल के जहर से 2 महिलाओं के मौत के बाद केरल के मंदिरों में देवता पर ओलियंडर फूल चढ़ाने का को प्रतिबंधित कर दिया गया। कहां किया गया, केरल में। अब यह क्या है, यह एवरग्रीन झाड़ी है, सदाबहार झाड़ी का छोटा पौधा, जैसे केरल में अर्ली या कनवीरम के नाम से भी जाना था, अर्ली कनवीरम इसका लोकल नाम है। इस पादप के सभी भाग जहरीले, सभी भाग में तना रूट फ्रूट फ्लावर सब कुछ इसका पॉइजनस होता है। क्यों पॉइजनस होता है, तो इसमें 3 केमिकल पाई जाती है, तीनों केमिकल का नाम याद रखिएगा, नेरियोसाइड ओलियोड्रोसाइड तथा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये 3 केमिकल जो है, यही तीनों केमिकल इसको क्या बनाता है, पॉइजनस बनाता है, जहरीला बनाता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज के साथ यह न्यूज जो है ज्योग्राफी बेस्ड न्यूज भी है और साइंस बेस्ड न्यूज भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 4 क्या कहता है,
डेड बोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड बोट्स, चैट 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 बोट्स, चैट चैट जीटीपी से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट है। डेड बोट्स को ग्रीफ बोट्स भी कहा जाता है। डेड बोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट्स है। ये चैटबोट्स किसी मृतक की भाषा के पैटर्न और व्यक्तिगत गुणों का अनुकरण करते हैं। इसके लिए वो उस मृतक का डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग, डिजिटल फुटप्रिंट कहने का सेंस है अगर जैसे कोई व्यक्ति है उसका पहले से कोई वीडियो है, उसका कोई सिग्नेचर है, उसका कोई हैंडराइटिंग है, कुछ लिख रखा है, और इन सब चीजों का डेटा लेकर के उस व्यक्ति के द्वारा किस तरह से बात की जाती थी, किस तरह का उसका आचार व्यवहार था, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो बड़ा ही इमोशनल, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए और उसके जैसा बिहेवियर से संबंधित कुछ चीजों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला जाए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, यह अपने आप में एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा होता है। लेकिन इसको डेवलप किया गया और इसका नाम दिया गया क्या, डेड बोट्स, और इसका दूसरा नाम है ग्रीफ बोट्स। इसका डेड बोट्स और ग्रीफ बोट्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बोट्स है। ध्यान रखिएगा क्या है, चैट बोट्स है जिसका नाम है डेड बोट्स और ग्रीफ बोट्स। जो व्यक्ति डेड, जिसकी डेथ हो गई है, डेड हो गया है, उसके व्यवहार, उस कैसे हंसता था, कैसे बोलता था, क्या सोचता था, किस तरह से लिखता था, ऐसे चीजों को आर्टिफिशियली क्या करना, डेवलप करना। और अगर ऐसी चीजें आर्टिफिशियली डेवलप हो जाए सोशल मीडिया पे, वह पब्लिश हो जाए, तो क्या होगा, यह बड़ा ही इमोशनल सा चीज होता है जिस कारण से इसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे देखते हैं। मेमथ, मेमथ क्या है, मेमथ विश्व का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, मेमथ क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट है। एयर कैप्चर मींस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया और ये कहां है, यह दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह आइसलैंड में है, और आइसलैंड ध्यान रखिएगा आप लोग, आइसलैंड के बारे में अगर देखेंगे तो आइसलैंड अटलांटिक ओशियन में है, और यह क्या है, मिड अटलांटिक रीज पे है, और मिड अटलांटिक रीज के सारे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिस कारण से नीचे से वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूअसली होता है, और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, और आइसलैंड इसी पर स्थित है, इसी ज्वालामुखी पर, इसलिए आइसलैंड का विस्तार भी हो रहा है, आइसलैंड का क्षेत्र बड़ा हो रहा है डे टू डे, और ज्वालामुखी निकल रहा है, तो वहां से उससे क्या होंगे, प्रदूषण होंगे, तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए यह मेमथ जो है यह इंस्टॉल किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है आइसलैंड के सेंस में, ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, एब्जॉर्ब करता है उसके सेंस में। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, यह स्विस कंपनी क्लाइम वर्क्स के द्वारा बनाया गया है, और यह इसका दूसरा यूनिट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। या क्या करता है, यही लिखा है, CO2 रिमूवल तकनीकी है, किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 को क्या करता हुआ, एब्जॉर्ब करता है, कैच करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है कम होती है। उसके दो फायदे हैं, ह्यूमन हेल्थ पे भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कैडेट डिफेंस सिस्टम NDRDO के सहयोग से भारत का प्रथम केमिकेज ड्रोन विकसित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, एक काइंड ऑफ ड्रोन है, जो कि बड़ा ही यह ड्रोन में वार डिफेंस वारेट होगा और टारगेटेड होगा, जाएगा और वहीं पे वह क्या होगा, वह कोलैप्स हो जाएगा। मींस यह सुसाइडल ड्रोन, एक तरह से सुसाइडल ड्रोन है, मींस अपने साथ वारहेड ले जाएगा और टारगेटेड प्लेस पे क्या होगा, यह जाके ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या है यह लोइटरिंग एरियल म्यूनिसेंस या आत्मघाती ड्रोन, लक्ष्य पर क्रैश होने वाला ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका नाम याद रखना है क्या है, कैडेट डिफेंस सिस्टम, और DRDO के सहयोग से भारत ने किमिकेज ड्रोन, क्या नाम है इसका, कामिकेज ड्रोन। कामिकेज ड्रोन क्या है, एक सुसाइडल ड्रोन है जिसको डेवलप किया है कैडेट डिफेंस सिस्टम और DRDO ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1954 में हेग कन्वेंशन के अपनाने के 70वीं वर्षगांठ यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह हेग कन्वेंशन, यूनेस्को के द्वारा हेग कन्वेंशन, और इसका पर्पस है अगर वार होता है या पीस टाइम भी होता है, तो जैसे बामियान में अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बौद्ध स्टैचू था जिसको तोड़ दिया गया, ऑब्वियस बात है वो कल्चरल हेरिटेज था जो कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। ऐसे अगर दो देशों के बीच युद्ध होते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, तो फिलिस्तीन के बहुत सारे जो है ऐतिहासिक मस्जिद जो है वह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इजराइल के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल जो है वह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के यह कन्वेंशन है जिसका नाम क्या है, हेग कन्वेंशन। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह इंपॉर्टेंट है हेग कन्वेंशन। जैसे वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए होता है, वैसे ही यह हेग कन्वेंशन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यह
यूनेस्को के द्वारा इसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में है। करण सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए अपनाया गया था, जो कल्चरल एसेट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क है, यह फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से चल और अचल विरासत की सुरक्षा के प्रति समर्पित है। जो कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए यह क्या है, यह समर्पित है। इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? भारत सहित इसके 135 जो है वह सिग्नेटरी मेंबर है, सदस्य देश है। तो यह इंपॉर्टेंट है, हेग कन्वेंशन का संबंध किससे है और इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एक और न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका संबंध असम से है, यह क्या है, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रहने का कारण है। ध्यान रखिएगा, यह वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे क्या किया गया है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में जो इसका रेंज था उस एरिया में वोट जो मतदान केंद्र और स्कूल वगैरह को क्या किया गया है, नए से डेवलपमेंट हुए हैं ये सब। इसका जो एनजीटी ने राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध किया है, यहां पे एक वर्ड यूज हो गया एनजीटी। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान रखिएगा। और एनजीटी जो है वह पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक ट्रिब्यूनल है। और आप ध्यान रखेंगे इसको भी, एनजीटी विश्व के सभी देशों के पास नहीं, केवल 3 कंट्री ऐसे है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रिब्यूनल बना रखा है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नाम है न्यूजीलैंड और तीसरा है इंडिया। यह 3 ही देश है जिसके पास एनजीटी है जो पर्यावरण प्रोटेक्शन की दिशा में क्या करता है, काम करता है। फिर यह वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह असम में है। तो ऑब्वियस ही बात है यह इकोलॉजी और एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, और एनजीटी का मामला है तो यह क्या कहता है, हमारा ट्रिब्यूनल बेस्ड भी क्वेश्चन है। और यहां चलते चलते इसको आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में 3 ही देश के पास क्या है, एनजीटी है, ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास और इंडिया के पास, इंडिया उसमें से एक है। तो एनजीटी का यह स्टेप है, क्या है, सेनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य को याद रखना है आपको, किस राज्य में यह है यह याद रखना है, और किसने इसको लेकर के यह किया है वह कंसर्न है वह याद रखना है, तो एनजीटी ने किया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये चीजें जो है मेंस में भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और कुछ न्यूज तो डायरेक्ट हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। इस तरह से यह डेली सीरीज है, इस डेली सीरीज को फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ, और इस सीरीज के साथ साथ मैंने पहले ही बोला वीकली सीरीज भी होगा और मंथली सीरीज भी होगा। चलिए इसके साथ ही आज के इस सीरीज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।